लीजिए लीजिए, सब ले जाइए। पहलवान, हम भी बाल बच्चे वाले हैं, इस तरह रोज रोज फोकट में पियोगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। साले, तेरी ये हिम्मत? दोबारा कुछ बोला तो हड्डी पस भी एक कर दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? क्या रे गुटको, यही है क्या बना है इंस्पेक्टर अर्जुन? हाँ गुरु। गुड मॉर्निंग गुरु, मेरा नाम दुर्गा दास है, ये मेरा इलाका है, इधर मेरा राज चलता है, कभी मिलना। हाथ निकाल। नहीं निकालू तो? हॉस्पिटल ले जाओ और इसकी मरम पट्टी करवा के पुलिस स्टेशन ले आना। यस सर। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, ये लोग यहाँ क्या कर रही हैं? पकड़ के लाए हूँ साहब, नहीं लाता तो खून खराबा हो जाता, लाश पे लाश गिर रही होती। 116 ड्रामा बंद करो और इनका जुर्म बताओ। ये लोग नल के पास पानी के लिए झगड़ा कर रही थी। देखिए देवियों, आप भारतीय नारी हैं, इस तरह लुच्चे लफंगों की तरह झगड़ा करना
आपको शोभा नहीं देता। ये लोग कोई बादशाह तो है नहीं जो गद्दी के लिए लड़ेंगे, ना ये लोग कोई नेता हैं जो कुर्सी के लिए झगड़ेंगे। ये बेचारे गरीब तो मुट्ठी भर अनाज और चुल्लू भर पानी के लिए लड़ सकते हैं। आप कौन है? मैं इन्हीं में से एक हूँ। आप क्या करते हैं? एक पढ़ा लिखा बेरोजगार, लेकिन मुझे इस बात पर नाज है कि 70 करोड़ भारतीयों में मुझे भी वोट देने का अधिकार है। मेरा नाम अमर है। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मिस्टर अमर, आप एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं। आप ही बताइए, सड़क पर इन औरतों को झगड़ना आपको अच्छा लगता है? इन औरतों की बदनसीबी यह है साहब कि ये महलों में नहीं झोंपड़ों में रहती है। बेचारी दिन भर काम करती हैं और जब आधी रात को इनके बच्चे दूध पीने के लिए रो रहे होते हैं तो ये नल के पास पानी भरने के लिए जमा हो जाती है। और इन हालात में अगर झगड़े भी हों तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, आपके हवलदार को हमारा झगड़ा करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन म्यूनसिपैलिटी ने इतनी बड़ी बस्ती में एक ही नल लगाया है, ये बात इन्हें अच्छी लगी। ये म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन को जो इस झगड़े की जड़ है पकड़कर यहाँ पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लाते? जवाब दो महिपाल सिंह। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बस्ती में और नल लग जाए। क्या नाम है आपकी बस्ती का? मंदिरपुरा। ओके, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। चलो चलो। अरे दुर्गा दास जी, आप? बाप रे बाप, आपको ये चोटें कैसे लगी? कोई एक्सीडेंट हो गया था? आपको अरे साहब, ये बहुत पहुंच बकवास बंद करो, ले जाओ इसे बंद कर दो। आइए आइए दुर्गादास जी, पधारिए पधारिए। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो जनता का सेवक हूँ, लोगों के काम आना ही मेरे जीवन का मकसद है। बोलो। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट के एक तरह से मालिक ही हैं। उस ट्रस्ट की मंदिरपुरा वाली जमीन हमें दिलवा दीजिए, मैं वहाँ 5-स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। राम 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 राम। अरे भैया, वो जमीन तो देवी माँ की है, माँ को भला मैं कैसे बेच सकता हूँ? गुनाहगारों को पकड़ना हमारा फर्ज है, लेकिन कभी कभी कुछ गुनाहगारों को पकड़कर हम खुद गुनाहगार बन जाते हैं, इसलिए आंखें होते हुए भी हमें अंधा बनना पड़ता है। लेकिन सर, आंखें होते हुए मैं मक्खी नहीं निकल सकता। देखो अर्जुन, मैं भी जब नया नया पुलिस में आया था तो ऐसा ही सोचता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि हम लोग गुनाहगारों को सिर्फ गिरफ्तार कर सकते हैं और वो लोग गुनाह भी कर सकते हैं और उल्टा अपना गुनाह हम पर थोप भी सकते हैं, क्योंकि हर गुनाहगार किसी न किसी ताकत और इंसान की छत्रछाया में होता है। गुंडों और बदमाशों की ताकत से डरकर मैं अपना फर्ज पूरा करने के रास्ते से नहीं हटूंगा सर। मेरी बात मानो और दुर्गादास को छोड़ दो। मेरे सीनियर ऑफिसर होने के नाते आप मुझे उस गुंडे को रिहा करने का ऑर्डर लिखकर दे दीजिए। ऑलराइट। हेलो सरकार, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। आज की नीलामी में मैंने एक बड़ी हसीन लड़की खरीदी है, चूहे के कले जैसी, सोचा आपको खबर कर दूं। पहली मुलाकात तो आप ही करेंगे ना? अरे भाई, आज तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सूरजपाल माथुर और कपूर के साथ। हाँ। ए सरकार, तो उन्हें भी ले आइए, वो गैर थोड़ी है, जहाँ सरकार वहाँ सरकार की परछाइयाँ। और हाँ, आपके मनोरंजन का खास ख्याल रखते हुए मैंने नाच गाने का भी इंतजाम किया है। अच्छा जी। Dude.
जी बताओ। वो चूड़ी वाली थी पहनाए जा रही थी, वो चूड़ी वाली थी पहनाए जा रही थी, वो चूड़ी वाली थी पहनाए जा रही थी। चूड़ियां वो मुझको पहनाए जा रही थी, वो चूड़ी वाली थी पहनाए जा रही थी। बस्ती में नल लगवाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। इसमें उपकार की क्या बात है, मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों को कुछ काम आ सका। पुलिस वाले तो अक्सर जोर जुलम ही करते हैं बेटा, तुम पहले पुलिस वाले हो जिसने हम गरीबों की मदद की। जुग जुग जियो बेटा। फिल्म देखा? ए रिक्शा चलेगा? बाप रे बाप, मुझे नहीं जाना सेठ जी, वो जो गाने गाता है ना उससे पूछो। हाँ सही है। है। ए रिक्शा गाड़ी लगा चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा, उधर से साला आराम नहीं है, दो रुपए लूंगा। एक रुपया? एक रुपया? एक रुपया तो सुअर का बच्चा ले जाता हूँ। अरे आपको आधा आधा करके दो दफा ले जाना पड़ेगा। दो दफा तभी रिक्शा नहीं चलेगा, खींचना पड़ेगा। पौने दो दो चलो। नहीं नहीं नहीं, सवा रुपया बैठ जाओ। बेकार है तेरी मनोसुरत की, ये कैसा साला पनीती ग्राहक मिल गया बेटा। बाप ओ साला
आदमी है क्या मटन की दुकान है? लगता है एक सवारी नहीं बैठी आधा भारत। क्या लगता है? अरे तुम्हें नहीं, अपने आप को गाली दे रहा हूँ। पहलवान किस चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो? बाप रे बाप, 2 रुपए से कमी नहीं ले जाऊंगा। पहले माना क्यों था? तब आपके वजन का अंदाजा नहीं था मेरे को। एक ठेला ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं नहीं दोगे? नहीं। तो खून 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 खून, अबे मारो, अरे अरे अरे, अबे 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 मारो। नमस्ते हवलदार। अरे नमस्ते। खून लाश कहाँ है? बीड़ी लाने गई है। आने दे, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम? बाप रे बाप, तू किधर भाग रहा है? बाप रे बाप, कहाँ जा रही है? मेरे पैसे लेने। पैसे लेने? अच्छा, रिक्शा की घंटी कहाँ है? घंटी है, अभी बताता हूँ। बता बता। ये रही घंटी। हाँ तो ब्रेक खराब हो गया। ये रहा ब्रेक। लैंप कहाँ है? ये है सूरज है का चांद है? सूरज है? है? फिर सूरज चमक तो लैंप की जरूरत क्या है? अबे साले बेवकूफ, समझ रहा है कि मुझे दिन रात में फर्क नजर नहीं आता? अंदर करके बाहर निकालना भूल जाऊंगा। हवलदार साहब, दिल में लैंप की जरूरत ही क्या है? अच्छा अच्छा, हवलदार से बहस करता? ये वर्दी, ये टोपी, ये डंडा तुझे दिखाई नहीं देता? मानले की रात हो गई और तुझे घर जाके लैंप लाने का मौका नहीं मिला, और कोई आदमी तेरे रिक्शे से टकरा गया, या तेरा रिक्शा अंधेरे में ट्रक से टक्कर खा गया, तब क्या होगा? समझ गया समझ गया। रिक्शा में बैठो, कहाँ जाना है बोलो। समझ गया ना? एसपी साहब के बंगले में चल। एसपी साहब को मछली बहुत पसंद है। 100 रुपए देकर लाया हूँ, पूरे 5 किलो है। बुरा मत हवलदार साहब, आपने कभी पैसा खर्चा किया है? वो मछली वाले को डंडा दिखा के मछली लाए होगे? बकवास कर रही सर, समझता साला। ए गोपाल, तू क्यों घबराता है? तेरे स्कूल की फीस 10 रुपए है ना? 7.5 रुपए तो है मेरे पास, रहे बाकी के 2.5 रुपए वो मैं बाबा से ले लूंगी। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। बाबा आज तुम फिर पीकर आए हो? ना ना, थोड़ा। तुमने तो सुबह वादा किया था कि आज से नहीं पियोगे। अरे फिर सुबह वादा कर दूंगा। कुछ मालूम है, गोपाल 7वें दर्जे में पहुँच गया है। परसों से इसका स्कूल खुलने वाला है। 10वीं पास कर लेगा तो कहीं चपरासी वपरासी की नौकरी तो मिल जाएगी। कल इसके स्कूल की फीस भरनी है, 2.5 रुपए निकालो। बस 2.5 रुपया फीस? बस फीस 10 रुपए है, मेरे पास 7.5 रुपए है। तेरे पास 7.5 रुपए कहाँ से आए? कहीं से भी आए, तुम 2.5 रुपए तो निकालो। पहले 7.5 दिखा तू। अरे ये रे। अरे 7.5 रुपया थोड़ी है। अरे लो, गिन लो। एक दो तीन चार पाँच। अरे मारा सर बहुत दुख रहा है, कम पिए ना। बाबा बाबा बाबा, अरे रुक जाओ बाबा। ए, 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 तो बाबा, पीछे क्या? बाबा बाबा, गोपाल की फीस। क्या हुआ? बाबा गोपाल की फीस के पैसे लेकर भाग। अरे तो परेशान क्यों होती है? इस देश में किसी पे अक्कल की तो अकेली बेटी नहीं, हजारों लाखों झोपड़ों में रोज यही नाटक होता है। लेकिन गोपाल की? अरे तो गोपाल पढ़ लिख कर कौन सा गवर्नर बन जाएगा? या मैंने कौन से तीर मार दिए? सुबह से शाम तक एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के चक्कर ही काट रहा हूँ। मिला क्या घंट? मेरी मूंगफली है खास, जिसको खाए बीए पास, इंग्लिश बोले गिटपिट दास। मेरी मूंगफली है खास, जिसको खाए बीए। अरे ओ बे मुरव्वत, आज 2 बातें किए बिना ही चला जा रहा है। शारदा की मूंगफली खाएगा तो फटाफट नौकरी पाएगा। लिखा? नहीं दीदी, पहले तेरे बहुत पैसे देने। भाषण मत दे, लिखा? माना कर दीदी, अभी चलता हूँ। आज फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया, देर हो तो नौकरी छीन लेंगे। अच्छा अच्छा। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे लिए मंत्री जी का फोन आ गया था। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट, 3 लफ्जों में बताओ तुम्हें क्या चाहिए। 3 लफ्जों में? हाँ, नौकरी नौकरी और नौकरी। तो फिर पैसा पैसा और पैसा। पैसा? हाँ बोलो, कितना लायो? डिग्री लाया। भैया इस देश में लियाकत नहीं, सियासत चलती है। अगर तुम किसी एमएलए या एमपी के दूर के भी रिश्तेदार होते तो तुम्हें नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी के कार्यालय में नहीं आने पड़ता। इसका मतलब तुम लावारिस हो,
अगर चपरासी की नौकरी चाहिए तो 1000 और अगर सप्लाई के दफ्तर में क्लार्क होना चाहते हो तो 5000 दे जाओ और नौकरी ले जाओ। बाबू मेरे पास देने के लिए 10-5000 रुपए होते तो मैं यहाँ क्यों आता? तो भैया बिना खर्चा किए तो 2 ही काम मिल सकते, या तो भीख मांगो या जेब काटो। तेरा सर क्यों ना काट दूं साले? ये क्या मतलब है? तुझे पैसा चाहिए ना, मेरे पास ये फटा हुआ चप्पल है। नीच, हमारे माँ बाप अपना पेट का कर में बढ़ाते हैं। सरकार ये रोजगार दफ्तर इसलिए खोलती है कि हमें हमारा हक मिले, और इस जैसे कमी ने हमसे हमारा हक छीन लिया। लाला तेरे पे आख चलो, चल चल चला, मैं नहीं छोड़ूंगा, बंद करवा दूंगा साले को। एक एक बोतल शराब में बिकने वाले अफसर साले क्यों बस करूँ दीदी? ये क्या पागलपन है, मारपीट करने से क्या नौकरी मिल जाएगी? कम से कम दिल की भड़ास तो निकलेगी मेरी। और ये भड़ास तुझे पुलिस चौकी भी पहुंचा सकती है। जरा सोच, तू जेल चला जाएगा तो तेरी माँ का क्या होगा? वो बेचारी तेरी खुशहाली की सपनी देख रही है और तू यहाँ दंगा कर रहा है। तो क्या करूँ दीदी, बीए ऑनर्स मैंने इसलिए किया है कि नौकरी पाने के लिए इस मोटू को खोज दूँ। दीदी दीदी तुम नहीं समझ सकती हो कि पढ़े लिखे लोगों के दर्द क्या है। समझ सकती हूँ, आई नो बेटर देन यू माय डियर, बिकॉज आई एम ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएट। आई हैव ऑल्सो लॉक्ड द डोर्स ऑफ दीज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दीज टॉर्चर्स and I came to the conclusion that a mere degree cannot get you a job. घूस खिलाए बगैर नौकरी नहीं मिल सकती, और घूस खिलाने की मुझ में ताकत नहीं थी, इसीलिए मजबूरन मुझे मूंगफली बेचनी पड़ी, और इसी कमाई से मैं अपने घर वालों का पेट पालती हूँ। इज्जत से जीने के और भी कई तरीके हैं। I'm sorry दीदी, मेरा खून इसलिए खौलता है कि पता नहीं कैसे कैसे करके उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं डिग्री लिए लिए घूम रहा हूं और उधर मेरी मां मजदूरी कर रही है। कैसा काम चल रहा है? ठीक चल रहा है साहब। कितने आदमी काम कर रहे हैं? 90 आदमी काम कर रहे हैं साहब। अरे क्या हुआ? चक्कर आ गया बेचारी को। ए मैनेजर, ये क्या मुर्दारों का काम पे रखा हुआ है? निकाल बाहर करो उस बुढ़िया को। ओके सर। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी बूढ़ी हड्डियों को पेरना बंद करो, पर तुम होके सुनती ही नहीं। अरे बेटी, मुझे क्या शौक है पत्थर ढोने का? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे बेटे को खिलाएगा कौन? बस बस रहने दो, तुम्हारा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं, अब वो बड़ा हो गया है, कहीं कोई काम मजदूरी कर लेगा। अरे कैसी बातें करती है बेटी, पत्थर तोड़ तोड़ के क्या उसे इसीलिए पढ़ाया है कि वो मेरी तरह मजदूरी करे? किसी ने किसी तरह ये घर चला रही थी, आज निगोड़ी बीमारी ने वो भी सहारा छीन लिया, मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अगर नौकरी ढूंढने के लिए 50 पैसे मांगेगा तो कहां से दूंगी मैं उसे, क्या कहूंगी उसे? माँ, माँ, तेरे बेटे को नौकरी मिल गई माँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ माँ, तेरे भगवान ने सुन ली, अब सब दलित दर्द दूर हो जाएंगे, अब तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटा। समझी? कुसुम कुसुम, ये किसी मांगने वाले को दे देना। देख मैंने तुझसे कहा था ना, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हाँ हाँ, अफसर बनूंगा मैं। अरे मैं भी कुसुम के बाप से जाकर कहती हूँ कि जल्दी से ब्याह का मुहूर्त निकल रहा है। जल्दी क्या मेरी भैया? हाँ, तुझे बुखार है? अरे कुछ नहीं है बेटा। अरे कुछ कैसे नहीं, चल तू मुझे अस्पताल चल। अरे बेटा तेरी नौकरी की खबर सुन के मेरा तो सारा बुखार उखार भाग देख, गया। मां तुझे मत किया कर। देख तेरी नई नई नौकरी लगी है, तू अपने दोस्तों में हंस बोल, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं कुसुम के साथ अस्पताल चली जाऊंगी। मुझे बहला मत, चल। 20 नंबर बेड का पेशेंट इंजेक्शन देते ही मर गया। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुम उसकी रिश्तेदार हो। मुझे उसकी मौत पर अफसोस नहीं, घबराहट है नकली इंजेक्शन देने पर। ओफो, तुम मरी क्यों जा रही हो? फौरन जाकर शीशे बदल दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या, इंजेक्शन लगाते ही मर गई? हाँ,
और सुनो बहन जी, इस अस्पताल के लिए तो ये मामूली बात है। जनवरी में 3 मरे, फरवरी में 5, मार्च में 8 और इस महीने में अभी तक 2 मर चुके हैं और न जाने कितने मरेंगे। और सुनो, मेरा एक दोस्त लक्ष्मण है, उसके बड़े बेटे को यहाँ लाया गया। डॉक्टरों ने मायना भी किया लेकिन दाई के बदले बाई आंख निकाल दी। बेचारा अंधा हो गया, अब हॉस्पिटल के बाहर भीख मांग रहा है। बाप रे बाप। कुसुम, मैं कुछ भी खाकर जिंदा रह लूंगी लेकिन इस अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। चाची चाची, इंजेक्शन से डर रही हो तो दवा ले लो। ना बाबा ना, मुझे दवाई भी नहीं चाहिए, इंजेक्शन भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ इलाज ही नहीं करवाना। चाची, है। चाची बात तो सुनो। चाची, ओ चाची, अरे मेरी बात तो सुनो। चलो चलो चाची, हमने देखा ये अस्पताल जाकर यूं नर्स की बातों में खोया हुआ था डॉक्टर। मेरे मुंह का आशिकी में नक्शा बिगाड़ डाला था, दर्द आंख में और मेरा दांत उखाड़ डाला। अरे तो कुछ भी नहीं है, पांव की टूटे हड्डी, हाथों में बंधे प्लास्टर, डॉक्टर जो पेट चीरे कैंची को भूले अंदर। ये जांच खेलते हैं इलाज के बहाने, नको नको हम ना जाएंगे दवा खाने। एम्बुलेंस जब मंगाओ ड्राइवर के लिए रिश्वत, भर्ती के लिए जाओ बिस्तर के लिए रिश्वत। लड़की हुई तो 25, लड़का हुआ तो 40, हम पीछे देंगे खटिया, तुम पहले दे दो बख्शीश। नाम है खराबी और हमको बड़े महंगा, इनका बस चले तो उतार ले ही लहंगा। ये अस्पताल नहीं ये है रिश्वतों के था, एक्सरे मशीनें, ये ऑपरेशन थिएटर, ये बड़ी बड़ी सीसे, ये बड़े बड़े डॉक्टर, ये महंगी महंगी सुइयां, ये कीमती दवाएं, अमीरों की खातिर है सारी सुविधाएं। अरे हम ठहरे गरीब, हम नहीं जाएंगे दवा खाने। तो कब जाओगे दवा खाने? धनवान और निर्धन जब होंगे सब बराबर, एक जैसी दवा देंगे सबको। Hey!
नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अरे इतने में कमान कमान क्विक सुनो जी भागो भागो जल्दी भागो। जानते हो ना मैं कौन हूं और ये सब ट्रक किसके हैं? उस अर्जुन के बच्चे ने हमारी फैक्ट्रियों पर रेड किया, हमारे गोदामों में सील लगवा दी, हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया, और तुम यहाँ बैठे बैठे मक्खियां मार रहे? मेरे को नहीं चाहिए, अभी चाय पी है। चाय पी है? बाप रे। देखा भैया, अर्जुन सिंह ने 10 दादा की माँ के दूध में हुकुम का इक्का रेल दिया, पैसा दे गया। अरे शहर तो आप रहने लायक हो गया है, माँ बहनों की इज्जत आबरू पर डाका पड़ना बंद हो गया है। कल मेरी बहन अकेले जाकर सेकंड शो में पिक्चर देख के आई है, मजाला किसी की जो सीटी बजा दे। हाँ अरे भगवान अर्जुन सिंह की हमेशा के लिए यहीं की ड्यूटी लगा दे, जिंदगानी चैन से गुजरेगी भैया। वेल डन माय बॉय, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। तुमने चार्ज लेते ही अपने शहर से गुनाह और गुंडागर्दी की छुट्टी कर दी। अजी साहब, ये तो मेरा फर्ज था, और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन सर मैं समझता हूं। एसपी सूरजपाल सिंह की परवाह मत करो, तुम्हारी पीठ पर मैं हूं। गो अहेड। थैंक यू सर। तुम लोगों ने शरीफ मां बहनों का जीना अजीर्ण कर रखा है, अब तो मैं इस शहर को सनलाइट साबुन से धोके साफ किए बिना नहीं मानूंगा। तेरे को थाने में खांसी आती, घर में गाना गाती है तू। हवलदार रोहिपाल, कौन है ये लोग? सालियां पेशा करती है साहब, मुखबरी होते ही मैंने कांस्टेबल मथुरा प्रसाद और शब्बीर अली के साथ छापा मारा, और एक इज्जतदार घर में से ये 7 अदद बेइज्जतियां बरामद की। और साहब महीने का आखिर भी है, कुछ केसेस भी तो चाहिए अपन को। केसेस के लिए या अपनी जेब गर्म करने के लिए इन्हें पकड़ के लाए हो? नहीं सर, छोड़ दे। जिस देश में घी, दूध, दवा, अनाज, शिक्षा, राजनीति और धर्म जैसी चीजें नकली या मिलावटी बिक रही हैं, उस देश में सिर्फ ये औरतें ही बिना किसी मिलावट के अपना शरीर, अपनी इज्जत बेच रही है। मुजरिम ये नहीं, मुजरिम वो है जो इन्हें ऐसे काम करने पर मजबूर करते हैं। इनके पते मालूम करके इन सबको अपने अपने घर भिजवाने का बंदोबस्त करो। साहब आप, अरे यूं किसी के पैर नहीं छूते बहन। बहन? आपने मुझे बहन कहा? जो औरत मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका नहीं है, उसे मैं और क्या कहूं। क्या हुआ ने? भाई बाल सिंह जल्दी ना हॉस्पिटल ले जाओ। आप इस लफड़े में क्यों पड़ते हैं साहब, लंका भाई खुद ही भुगत लेगी। नहीं नहीं, मुझे लंका लक्ष्मी के घर मत भेजिए सरकार, मुझे सीधे शमशान भेज दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लंका भाई कौन है? अरे साहब, लंका भाई शहर की पावरफुल जबरदस्त औरत है, कोई सरकारी काम करवाना हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना हो तो यूं चुटकियों में दिलवा देती है। बस यूं समझ लीजिए कि लंका बाई का घर इस जिले का एक तरह से सचिवालय है। आइए आइए अचिन बाबू, आपका इंतजार करते करते तो इस बांदी की आंखें पथरा गई। कोतवाली से यहाँ आने में आपने 1 घंटा लगा दिया। ये देखिए, आपके लिए विस्की, ब्रांडी, चाय, कॉफी, सब चीजों का इंतजाम है। फरमाइए, क्या नोश फरमाएंगे? आपको किसने बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? मोर को आने वाली बारिश की कोई खबर देता है अर्जुन साहब? उसे तो हवा में ही महक आ जाती है, उसी तरह लंका लक्ष्मी ने भी हवा में आपकी महक सूंघ ली। जैसे हमारी दुनिया में आपके मुखबिर हैं, उसी तरह आपकी दुनिया में हमने भी कई कुत्ते पाल रखे हैं। नोटों का छिछड़ा देखते ही दुम हिलाने लगते हैं,
कहिए क्या कीजिएगा? इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, यूनिफॉर्म में मैं किसी के घर कुछ खा पी नहीं सकता। हाँ सुना है आपने हमारी एक लड़की को अस्पताल भेज दिया, आपकी मानवता की भावना का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकियों को उनके घर भेज दिया है। अच्छा घर भेज दिया? आप देखना चाहते हैं अब वो कहाँ है? अर्जुन साहब, जो लड़की एक बार यहाँ आ जाती है फिर उसका कोई घर नहीं रह जाता। ससुराल कहिए तो यही, मैका कहिए तो यही। और हाँ, जिन लड़कियों को आपने घर भेजा था उनके घर वालों ने उन्हें कबूल नहीं किया, वो फिर यहाँ आ गई। तुम लोग जाओ। उसकी वजह यह है कि इन लड़कियों की जिंदगियों की बागडोर आपके हाथ में है। ये जो आप इन लोगों का जिस्म, इनकी खूबसूरती बेचकर पैसे कमाती हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी निष्ठा है। इनको जिंदा रखने के लिए और अच्छे पेशे भी हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है। जब आपको मालूम है तो फिर आप ये धंधा बंद क्यों नहीं कर देती? कैसी बातें करते हैं आप? समाज के मुंह को खून लग चुका है, हमें समाज की और समाज को हमारी जरूरत है। अर्जुन साहब, इस देश के आधे लोग शराब की दुकानों और हमारे कमरों में अपनी जिंदगियां बिताते हैं। ठेकेदारों को बड़े बड़े ठेके दिलवाने में हमारी जरूरत पड़ती है, छोटी पदवी वालों को बड़ी पदवी दिलवाने में भी हमारा ही हाथ होता है। औरत के जिस्म से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं, इसीलिए हम बदलना चाहते हुए भी अपने आप को नहीं बदल पाते। कीड़ा तितली बनना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता, चिंतामणि मीरा बनना चाहे तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। अच्छा बनने की नीयत होनी चाहिए लक्ष्मी जी। हमें बदलने के लिए समाज को बदलना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए जैसी चल रही है चलने दीजिए। नहीं लक्ष्मी जी, हालात से समझौता कर लेना तो बुजदिली है। मैं आप लोगों के दिलों में दबी हुई नेकी को फिर से जगाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलता हूं। अर्जुन बाबू, आप घर जाके नहा लीजिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जगह आए हैं। शुक्र है आपके अंदर इंसानी जज्बा अभी जिंदा है।
धन वाला निर्धन को ना गुलाम कर सकेगा, इज्जत ना कोई तेरी नीलाम कर सकेगा। भारत माता हम तेरे बंधन तोड़ेंगे, बंधन तोड़ेंगे। भारत माता हम तेरे भाव जगाएंगे, भारत माता हम तेरे भाव जगाएंगे। अरे मुबारक हो, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुम दोनों ने। एक कवि के जज्बातों को जोरदार तरीके से पेश करके स्टूडेंट्स के दिलों में तुमने क्रांति पैदा कर दी। मुबारकबाद तो हमें तुम्हें देनी चाहिए, कविता के विचार तो तुम्हारे ही हैं, हमने तो सिर्फ उन्हें अदा किया है। तुम वाकई सच्चे कवि हो। सच्चा कवि वो होता है जो अपने ऊंचे विचारों को सिर्फ कागज पर ही ना लिखे बल्कि अपनी जिंदगी में उनका अमल भी करे। बिल्कुल, जीवन साथी का यही फर्ज होता है। मतलब यह कि अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। क्या निशाना लगा है, शाबाश। भारती, भारती मुबारक हो। किस बात की? तुम तीरंदाजी के इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन के लिए हमारे कॉलेज की तरफ से चुनी गई। थैंक यू। भारती स्पोर्ट्स में और बहुत से खेल हैं, तुमने तीरंदाजी को ही चुना ये बात समझ में नहीं आई। अर्जुन, हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है। उस मकसद तक पहुंचने के लिए सच्ची लगन और भरपूर कोशिश चाहिए। इन दोनों को अपने अंदर पनपने के लिए तीरंदाजी बहुत मदद करती है। मैंने ये विद्या इसीलिए सीखी है कि मेरी जिंदगी तीर की तरह हवा का सहारा लेना भी सीख ले और हवा को काटना भी, तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे लो, बातों बातों में मैं तो बताना ही भूल गया कि मुझे पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलावा आ गया। अच्छा, कब जा रहे हो तुम? आज ही। तुम्हारे जाने की थोड़ी खुशी भी है, थोड़ा गम भी। अर्जुन, हम एक दूसरे के कितने पुराने दोस्त हैं, लेकिन आज हम बिछड़ रहे हैं। इसका गम तो मुझे होना चाहिए भाई। तुम दोनों शादी करके एक दूसरे के जीवन भर के साथी हो जाओगे, अकेला तो मैं रह जाऊंगा ना। अर्जुन, हमारी शादी पर जरूर आना। मुमकिन हुआ तो जरूर आऊंगा। उमाशंकर, हमारी कॉलेज की जिंदगी अब खत्म हो गई है, असली जिंदगी शुरू होने वाली है। याद रखना, जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें आए, रुकावटें आए, हम अपना मकसद न भूलें। जिन उसूलों, जिन सिद्धांतों के लिए हम आज तक तीनों लड़ते आए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते आए हैं, मैं सारी जिंदगी उन्हीं उसूलों पर चलूंगा। मैं कसम खाता हूं। मैं भी कसम खाती हूं। भारती,
उमाशंकर कहाँ है? तुम दोनों की शादी हो गई थी ना, तो फिर तुम लंका भाई के यहां कैसे पहुंच गई? अरे भारती रो मत प्लीज। देखो ये तुम्हारे दोस्त का घर है, मुझे बताओ, मुझे बताओ ना प्लीज, मुझे बताओ। तुम्हारी ट्रेनिंग पर जाने के कुछ ही दिनों के बाद उमाशंकर से मेरी शादी हो गई। इसी लाइन पर मैं उसे नौकरी भी मिल गई। उसने मुझे यहाँ आने को खत लिखा, मैं अकेली चल पड़ी। मगर बहन जी दिन बहुत बुरे हैं, अकेले सफर नहीं करना चाहिए। अकेले कहाँ, इतने लोग साथ में हैं। फिर ललितपुर सिटी स्टेशन से ऑटो पकड़ के घर चले जाऊंगी। टिकट टिकट। ये लड़की किसकी है? मेरी है। इसका टिकट? टिकट अभी इसे पूरे 5 साल नहीं हुए। क्या 5 साल नहीं हुए? अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि पूरे 5 महीने नहीं हुए। 21 रुपए 60 पैसे निकालो, 10 रुपए 80 पैसे टिकट के, 10 रुपए 80 पैसे फाइन के। अरे वाह कोई जबरदस्ती है, हिटलर शाही चलाता है। पैसे निकालो, मेरे पर्स के पैसे क्या तेरे बाप के हैं जो निकालो? देखिए बहन जी। हाँ तू दिखाएगा मुझे? क्या दिखाएगा, दिखा दिखा। तुझे क्या मेरी बच्ची 5 साल से ज्यादा की लगती है? कौन घरे का बच्चा कहेगा कि मेरी बच्ची 5 साल से ज्यादा है? आप बोलिए, आप बोलिए, आप ही बोलिए भाई साहब। वैसे बहन जी ठीक ही कह रही हैं। वैसे मुझे तो बहन जी खुद 16 साढ़े 16 साल से ज्यादा नहीं लगती। 13 साल की उम्र में ब्याही होंगी, बच्ची की उम्र तब भी 2.5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आपको ये 16 साढ़े 16 साल की लगती है? 16 साढ़े 16 साल की तो नहीं भाई साहब, 19 अगस्त को 21 की हो जाऊंगी। अच्छा बहन जी मेरा कसूर माफ कीजिए, ये बच्ची तो अभी पैदा ही नहीं हुई, पैदा होने की कोशिश कर रही है। बेबी तुम्हारा नाम क्या है? ये गुंगी है, जापानी गुड़िया होती तो जापान वालों को पेट भर के गालियां देता, लेकिन ये मूर्ति तो भगवान ने बनाई है। सारी मूर्ति बना डाली और जबान बनाना ही भूल गया। ओह, बेचारी। इसके पिता की जिंदगी में तो इसे बेचारी न कहिए भारती जी। ये क्या है संतालिया जी? ये मुझे बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, इसलिए मैं सफर में इसको गले में लटका लेता हूँ। बहन जी वैसे मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि एक बड़ा मकान बनेगा तो उस पर एक नेम प्लेट लगाऊंगा, लेकिन आज तक मकान तो बना नहीं तो इस प्लेट को मैंने गले में लटका लिया। कमाल है, आप इस दुख में भी हंसते हंसाते रहते हैं। हंसना हंसाना मेरी आदत नहीं, मेरी जरूरत है। उस आदमी पर बेहोशी का दौरा पड़ा, उधर ललितपुर किंडा गया। मैंने मुसाफिरों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई। उमाशंकर मुझे लेने ललितपुर सिटी स्टेशन पर आया होगा, लेकिन मैं एक बेहोश आदमी को छोड़कर कैसे जा सकती थी। मैं उसे लिखे हुए पते पर ले गई, वहां मुझे एक औरत मिली, उसने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया। वो बोली ललितपुर सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है, आज रात यहीं रह जाओ या फिर मैं एसपी को फोन करके तुम्हारे लिए पुलिस एस्कॉर्ट मंगाती हूँ, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर चाय पी लो। फिर मुझे पता चला। बस करो भारती बस करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं सुनना चाहते है ना, इसलिए मैं अपनी इस कलंकित जिंदगी को खत्म करना चाहती थी। तुमने मुझे क्यों बचाया, क्यों बचाया? भारती मौत ही हर कहानी का अंत नहीं होती। उमाशंकर एक सच्चा कवि है और कवि मानव जाति का रखवाला होता है, वो तुम्हारा दुख दर्द समझेगा और तुम्हें जरूर अपनाएगा।
सॉरी अर्जुन, भारती के साथ पूरी हमदर्दी होने के बावजूद भी अब मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्या ये तुम कह रहे हो? अगर तुम्हारे कहने से मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं तो समाज मुझसे थूकेगा, मुझ पे उंगलियां उठाएगा, मेरा जीवन नरक बना देगा। यह मुझे मंजूर नहीं। लेकिन जरा सोचो, तुम एक महान, एक आदर्शवादी इंसान की तरह तो जी सकते हो। तुम्हारा यह कदम समाज में जागृति पैदा कर देगा। जागृति, आदर्शवाद, महानता, ये सब शब्द प्लेटफॉर्म या मंच पर भाषण देने के लिए ठीक है, पर इनका अमल हम अपने ऊपर नहीं कर सकते। और आज तक वो तुम्हारे बड़े बड़े बोल, वो क्रांतिकारी कविताएं, वो सब तारीफ बटोरने के लिए थी, पैसा कमाने का ढोंग था, इसीलिए मैं सब। बकवास बंद करो। क्रांतिकारी कविताएं सोए समाज को जगाती हैं, भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाती हैं, और तुम? तुमसे बहस करना बेकार है, मुझे और भी काम है, तुम लोग जा सकते हो। अबे ओ मशंकर, तुझे भारती को स्वीकार करना ही होगा, चाहे तुझे इसके लिए मुझे अदालत में ही क्यों ना घसीटना पड़े। नहीं अर्जुन, मैं उजले कपड़ों और मैली आत्मा वाले इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। ये घर इसके झूठी कविताओं के सामान से भरा हुआ है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है, इसके शब्द वेश्याओं की तरह पेशा करते हैं। भारती शराब, मैं किसी अदालत से तुझ जैसे पति के साथ रहने का अधिकार मांगकर अपना अपमान नहीं करूंगी। तू उमाशंकर नहीं, तू उमाशंकर की लाश है, और मैं तेरी पत्नी नहीं, तेरी विधवा हूं। इस मंगलसूत्र को अपनी लाश के साथ अपनी चिता में जलवा देना। आज मेरी आत्मा पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मैं आजाद हो गई, चलते हो। ठहरो भारती, तुमने पति को तलाक दिया है, दोस्ती को नहीं, और मेरे साथ। तो तुम्हारी पढ़ाई ने ये काम दिलवाया तुम्हें? पढ़ाई ने नहीं, जरूरत ने दिलवाया। पर देखो कुसुम, आदमी तो सदियों से आदमी का बोझा ढोता रहा है। एक पते की बात बताऊं, अगर मजदूर का कंधा नीचे से सरक जाए तो ये नफे नुकसान की दुनिया धम से नीचे आ जाए। अब माँ को मत बताना कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। उस बेचारी को तो खुश खुश अच्छे सपने थे। भारती, भारती, भारती खुशखबरी, गर्ल स्कूल की प्रिंसिपल तुम्हें नौकरी देने के लिए राजी हो गई हैं। अभी मिलना उनसे, जल्दी से तैयार हो जाओ। भारती, तुम रिक्शा पकड़ के घर चलो, मैं दो चार काम खत्म करके आता हूं। बेटी लाजवंती। माँ, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। लीजिए, आज आप फिर इतनी सारी चीजें उठा लाई। तो क्या हुआ, मेरा बस चले तो तेरे लिए मैं सारी दुनिया उठा लूं। आप बैठ मेरे पास, बैठ। बाकी सारी लड़कियां जलती हैं मुझसे क्योंकि माएं तो इतनी चीजें नहीं लाती जितनी चीजें आप इस अनाथ लड़की के लिए लाती हैं। अनाथ हो तेरे दुश्मन, तू मेरी बेटी ना हुई तो क्या हुआ, मेरी बेटी जैसी तो है, हूबहू वही शक्ल। तुझसे मिल लेती हूँ तो मेरे कलेजे की आग ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी स्वर्ग से लौट आई है। तो फिर आप मुझे अपने घर क्यों नहीं ले चलती कभी? हॉस्टल में रहते रहते बोर हो गई मैं तो, ये नहीं पता घर कैसा होता है। ले चलूंगी किसी दिन। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। मेरी कमर तोड़ दी,
अबे शराबी तू, कितनी बार तुझे बोला है कि शराब पीकर सड़कों पे मत घूमा कर, लेकिन तू नहीं मानता। आज मैं तुझे ट्रैफिक एक्ट के मुताबिक नहीं छोड़ने वाला। अरे जा, बड़ा आया नहीं छोड़ने वाला, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बिना ब्रेक की साइकिल चलाता है, मेरी कमर के तेरे बाप के जो तोड़ डाली, सारा नशा उतार दिया है, ऊपर से जो जबरदस्ती करता है, क्या कर रहा? घंटी किधर है? मुझे घंटी की क्या जरूरत है? देखता नहीं मेरे पास ये भोपू है? ये नहीं चलेगा। लाइट किधर है? चोरी हो गई। अबे हवलदार मैं हूं के तू? तेरी साइकिल में ना ब्रेक है, ना लाइट है, ना घंटी है, और इतनी रात को निकल पड़ा। अगर किस हालत में किसी ट्रक या लारी से टकरा गया होता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? बोल। पुलिस वाले की तरफ पूछताछ कर रहा है। चुप। पांच रुपए का नोट निकाल। क्या? पांच रुपए का नोट निकालने से चालान कर दूंगा, अगर नोट ना हो तो चिल्लर भी चलेगा। चल 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 निकाल। पुलिस वाले से रिश्वत मांग रही हो साले? क्यों नहीं, हम भी तो रिश्वत चखे। कानून क्या सिर्फ रिक्शा वालों के लिए है? अबे हवलदार को कानून सिखाता है, शराबी न्यूसेंस केस में बंद कर दूंगा। बड़ों के साथ इज्जत से पेश आते हो? समझे? अबे हट, इज्जत का बच्चा। चल 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 चल, अभी बताता हूँ तुझे इज्जत क्या होती है। आजा आजा, ले ले ले, आ गया पुलिस स्टेशन। साहब से कह के अंदर कर दूंगा तो बाहर नहीं निकालूंगा साले। मैं तो तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं छोड़ेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे नहीं छोड़ेगा? खास से साइकिल कैसी खड़ी होगी, दो आज तक कर। अबे मुझे अकल सिखाता शराबी। खैर मैं तुझे अभी सिखाता हूँ। अबे 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 रुक जा, अबे दारू बंद, अबे रुक जा, अबे रुक जा। नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते नमस्ते। ए ये क्या बदतमीजी है, खड़े हो जाओ। बड़ों के सामने खड़ा रहना तो बदतमीजी साहब। आइए आइए, 116 उधर क्यों खड़े हो? हाँ साहब को देखो डर गए क्या? आओ। हिस्ट हिस्ट साहब, ये नशे में धुत होकर सड़क पर न्यूसेंस कर रहा था। जो जो नया वाला नहीं 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 साहब, मैं तो शराब पी के न्यूसेंस करता हूँ, लेकिन ये तो किसी नुक्कड़ की दुकान से आधा कुल्लर चाय पी के न्यूसेंस करता है। हिस्ट क्या है? हिस्ट क्या साहब? इनकी एक साइकिल है, एक फ्रेम और दो पहियों के सिवा उसमें कुछ भी नहीं, ना ब्रेक है, ना लाइट है, ना बेल है, कुछ नहीं। इन सब के बिना सड़क पर साइकिल चलाते रात को। साहब आज ये मुझसे टकरा गया, किसी लारी से टकराए होते तो लारी का क्या होता? बोला हवलदार, बोल। क्यों, क्या ये ठीक कह रहा है? कह तो ठीक रहा है सर, लेकिन बात ये थी सर। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जाओ 25 रुपए फाइन भरो। है? जाओ। यस सर। जाओ फाइन भरो। साहब अच्छा सबक सिखाया। यादव तुम दिन रात मेहनत करके रुपया कमाते हो, न खुद खाते हो न अपनों को खिलाते हो, सारी कमाई शराब में उड़ा देते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? जिंदा रहकर भी मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं साहब? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम्हारी बेटी खाने के डिब्बे ढोडो को रुपया कमा रही है और तुम अपनी जिम्मेदारी को भूलकर जानवरों जैसी जिंदगी बिता रहे हो। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, दोबारा पीकर दिखाई दिए तो अपने जूते से मारना साहब। हाँ मारना, जब कभी दारू पीता हूं साहब दूसरे पुलिस वाले यहां लाकर मारते, कभी किसी ने समझाया नहीं हमको। यादव ये दारू पीना बुरा साहब। अब देवता, अरे देवता, अरे ये क्या कर रहे हो साहब? ठीक है जाओ। हाँ जाओ। नमस्ते जी। आदाब है, आदाब है, आदाब। नमस्ते, बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू, मेहरबानी मेहरबानी। वो आ गई। क्योंकि ये नीलामी लंकाबाई के घर पर हो रही है इसलिए बोली वही शुरू करेंगी। 10,000। एक नजर देख के दाम लगाओ लंकाबाई। हम तो खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। आज तो बंचाल ही चलूंगी। अपुन अंधा खेल नहीं खेलते, क्योंकि अपुन जुआरी नहीं व्यापारी हैं। ठीक है 15,000। 15,000। 25,000। 25,000। 50,000। लंकाबाई की बोली 50,000। 50,000।
नवाब साहब 50,001, खान साहब 50,002, सरदार जी 50,003। मेरी बर्बादी की कीमत सिर्फ 50,000? उन जिंदगियों के बारे में सोचिए लक्ष्मी जी, जो आपके हाथों खराब हुई है। आप मुझे यहां देखकर हैरान क्यों हो गई? जिस तरह बारिश के आने की खबर मोर को हो जाती है, पुलिस की धार की खबर गुनेगारों को हो जाती है, उसी तरह हमको भी मुजरिमों की काली करतूतों का पता चल जाता है। अरे इस तरह आप खामोश क्यों खड़ी हैं? या तो इस लड़की को खुद खरीद लीजिए या फिर बिक जाने दीजिए। मैं तो ये देखने आया हूं कि मां बेटी के बदन का दाम क्या लगाती है। उस दिन जब मैंने आपको स्कूल के कंपाउंड में लाजवंती के साथ देखा तो मेरा माथा ठनका कि स्कूल से लड़कियां सप्लाई होती है। छानबीन की तो पता चला कि लाजवंती आपकी बेटी है, और जब मैंने लाजवंती को यह बताया तो आपके घर में नीलाम होने के लिए तैयार हो गई। मैं ये देखना चाहता था कि अपनी बेटी को बिकता देखकर आपके दिल पर क्या गुजरती है, आप में पश्चाताप की भावना है या नहीं। अर्जुन बाबू, मेरे पाप और गुनाहों की कोई माफी नहीं है, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे मार डालिए। ये करना होता तो मैं ये सब न करता। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। भैया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके जरिए मुझे मालूम हुआ कि मेरी माँ कौन है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिस औरत के कोख से मैंने जन्म लिया उसे सुधारने में आपकी थोड़ी सी मदद मैं भी कर सकी। आइए हम चलें। रुक जाओ बेटी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जब तुमने मुझे सही रास्ता दिखाई दिया है तो क्या अब उस रास्ते पर चलने के लिए तुम मेरा साथ नहीं दोगी? अर्जुन बाबू, समझाइए ना इसे। घबराइए नहीं, लाजवंती आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। माँ सापिन हो तो बेटी जहर बनती है, माँ दीपक हो तो बेटी क्षमा बनती है। लाजवंती क्षमा बनकर यहाँ के अंधेरे को दूर करके रोशनी करेगी, है ना लाजवंती? हाँ। अर्जुन बाबू, ये मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे देवता ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे इस नर्क से निकालकर सही रास्ता दिखाया। मैं कसम खाती हूँ, आज से सिर्फ लाजवंती ही मेरी बेटी नहीं बल्कि वो सारी लड़कियां जिनकी मेरी वजह से जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, वो सब मेरी बेटियां हैं, मैं वादा करती हूँ। लक्ष्मी जी, इस समाज का सत्यानाश इसीलिए हुआ है कि लोग आंखें होते हुए भी सच्चाई नहीं देखते, कान होते हुए भी सही बात नहीं सुनते। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके अंदर दबी हुई नेकी फिर से बाहर आ गई। लड़कियों, अपने अपने तीर कमान उठाकर लाइन लगाओ। चलो चलो जल्दी करो, अब कमान को ऐसे पकड़ो और इसमें तीर इस तरह लगाओ। सुनो, ये धनुर्विद्या हर एक को सीखनी चाहिए, खास तौर से लड़कियों को। ये विद्या एक ऐसा आसान साधन है जिससे स्त्री अपनी रक्षा खुद कर सकती है, और समय आने पर मर्दों के साथ कंधा मिलाकर देश की रक्षा भी कर सकती है। मैडम, आपको प्रिंसिपल साहिबा बुला रही हैं। अच्छा, नो मैडम, सीधी बात ये है कि हमारी बेटियां उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगी। भारती को आप स्कूल में से निकाल दीजिए, नहीं तो हम अपनी बेटियों को इस स्कूल में से निकालेंगे। मैं आज ही अपने हस्बैंड से कहकर उस एसआई को पुलिस फोर्स से निकलवाती हूँ, नहीं तो सारा शहर नर्क बन जाएगा। चलिए मिसेस कपूर। चलिए चलिए। अर्जुन, मैं तुम्हारी नेकनामी के दामन पर कीचड़ बनकर पड़ गई हूँ, इस दाग को मिटाने के लिए तुम्हारी जिंदगी से सदा के लिए हट रही हूँ।
भारती, ये क्या पागलपन है? तुमने मेरी दोस्ती को इतना खोखला समझा कि मुझे मुझे छोड़कर चली आई। याद है उस दिन हम लोगों ने कसम खाई थी कि जिंदगी में चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, हम अपना मकसद नहीं भूलेंगे। कहां गया तुम्हारा वो मकसद? कहां गया तुम्हारा वो फैसला? अपना मकसद हासिल करने के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी बदनामी के छींटे तुम्हारी पुलिस की वर्दी को गंदा कर देंगे अर्जुन। भारती, समाज से डरकर भागोगी तो वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा, डटकर सामने खड़ी हो जाओगी तो यही समाज कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग जाएगा। अर्जुन, ये विचार देश पर भाषण देने के लिए ठीक है, इस समाज से लड़ना इतना आसान नहीं है। अगर इसी समाज ने यह कहा कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम करने की कोशिश की होगी तभी तुम घर छोड़कर चली गई, तब तुम क्या करोगी? ठीक है, अगर तुम्हें समाज का इतना ही डर है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। से नाराज तो नहीं हो? नाराज क्यों? मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। वो सब बीती बातें हैं, अब तो मुझे नई जिंदगी मिल चुकी है। फूल चाहे कीचड़ में क्यों ना उगा हो, उसे आकर अर्जुन जैसे पुण्यात्मा के चरणों में चढ़ा दिया जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। तुम ठीक कह रही हो, अर्जुन बाबू ने मुझे भी उस गंदगी की घुटन से निकालकर एक नया जीवन दिया है। वो इंसान नहीं, देवता है। नमस्ते लक्ष्मी जी। नमस्ते अर्जुन बाबू। अरे बैठिए ना, कैसी लग रही नई जिंदगी? आपने मेरी जिंदगी को सही दिशा दिलाई है। आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना, मैं उसी के लिए निमंत्रण देने आई हूँ। अगर आप लोग वहाँ आ जाते तो हम सबके भाग्य खुल जाते। हम लोग जरूर आएंगे, क्यों भारती? जैसे आपकी इच्छा।
क्या बात है डॉक्टर? खुशी की खबर है, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। भारती, ए आइए आइए साहब। आइए आइए चंद्रमानी साहब। नमस्कार नमस्कार। अरे सिटी पर जल्दी से चाय लाओ। अभी लाए। चाय वाय छोड़िए पांडे जी, आप 8 महीने से चाय पिला रहे हैं। मंदिर वाली जमीन पे 30 लाख रुपए एडवांस दिया है। 3% सूद से कितना रुपया होता है हिसाब लगाइए। देखिए, आपकी जमीन का सारा झगड़ा तय हो चुका है, कल शाम तक बस्ती वालों से बाकायदा समझौता हो जाएगा। बस यूं समझिए, हफ्ते भर में जमीन आपकी। लेकिन याद रखिए, अगले हफ्ते से अगला हफ्ता नहीं होगा। नमस्ते, चलो भाइयों, चलो। लिया कपूर साहब, सुन लिया? पांडे जी, अपने 20-25 आदमी भेज के बस्ती तो मैं 10 मिनटों में खाली करवा लूं, लेकिन बस्ती वालों को सब इंस्पेक्टर अर्जुन का पूरा सपोर्ट है। अच्छा, तो फिर ये काला कोट उतार के ना मंदिर में जाकर पूजा पाठ के लिए बैठ जाइए। अरे अरे, क्या हुआ पांडे जी, क्या बात है, बड़े लाल पीले हो रहे हो। अरे भाई, वही बस्ती वाली जमीन की सर दर्द और क्या। देखो कपूर, तुम किसी तरीके से भी कुछ भी करके कोर्ट से बस्ती खाली करवाने के ऑर्डर हासिल करो। खर्चे की परवाह मत करो, लेकिन बस्ती वालों को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। अविक्शन ऑर्डर हाथ में आते ही सूरजपाल, तुम उस हरामखोर अर्जुन को बस्ती खाली करवाने की ड्यूटी पर लगा दो। फिर क्या है? वही बस्ती वाले जो आज इस कमीने अर्जुन के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार है, कल वही बस्ती वाले उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। बोलो हाँ। बस्ती खाली नहीं करेंगे। ये जगह पांडे जी की है। बस्ती पांडे की नहीं, हमारी है। बंद हो ये सब कुछ, ये बस्ती तुम्हें खाली करनी पड़ेगी। करा के देखो ये बस्ती खाली, यहाँ से या तो हमारी लाशें जाएंगी नहीं तो तुम्हारी। देखो अमर, ये लोग बस्ती खाली कराने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए। तो साहब इनसे बोल दो उतार दो कि बत्ती बना के रख ले। सुन लिया हमारा फैसला, जा दफा हो जाओ पांडे के घर को। अमर, तुम बस्ती वालों को भड़का कर खून खराब करना चाहते हो। अपने हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे। ये जमीन इन चोरों की नहीं, हमारी है अर्जुन बाबू। 3 पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये जमीन तुम्हारी है? पट्टा है तुम्हारे पास? कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुझे ये जमीन खाली करवानी ही पड़ेगी। सुना भाइयों, ये है वो अर्जुन बाबू जिन्हें हम देवता मानकर पूछते थे। ये कह रहे हैं कि इन्हें ये बस्ती खाली करवानी ही पड़ेगी। अरे धिक्कार है तुम पर अर्जुन बाबू, आखिर बिक गए ना। अमर, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे पास गोलियां कम है, हमारे पास सीने ज्यादा। रंग दो इस जमीन को हम गरीबों के खून से। अमर खामोश, वो अर्जुन नहीं हो जिसके पसीने पर अपना खून बहाने को तैयार थे। अब तुम इनमें से कुत्ते हो जो पाले की दौलत का पट्टा बांधकर हम पर घुड़ाने आए हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, चले जाओ यहाँ से, हम ये बस्ती खाली नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? तोड़ डालिए इनके झोपड़ियों को। हाथ लगा कर तो देखो इन झोपड़ियों को, फिर मत कहना अर्जुन एक एक के हाथ तोड़ देंगे। सर तोड़ देंगे पांडे के बच्चे का। पहुँचने के लिए हमारी लाशों को से गुजरना होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं उसके आगे ले आया हूँ। इस बस्ती को खाली कराने का ऑर्डर रोक दिया गया है, यह बस्ती खाली नहीं होगी। इसमें कोई चालाकी है? इसमें कोई चालाकी नहीं, ये रही कोर्ट की सील। देखो, हमें कुछ नहीं देखना, हम ये बस्ती खाली करवा के ही जाएंगे। अरे आओ, अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबका हवाला मैं बंद कर दूंगा। चलो जगह से। अरे देख लूंगा तुम्हें अर्जुन, देख लूंगा तुम्हें। चलो चलो। देखो अमर, अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा लड़ने का तरीका गलत था। लोहे को लोहे से काटना चाहिए। मैं जानता था कि तुम जोश में आकर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओगे, इसीलिए मैंने भारती को कोर्ट भेजकर ये स्टे ऑर्डर मंगवाया। भारती जी को आपने कोर्ट भेजा था?
हाँ भारत, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। अरे ये क्या, नहीं 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 डॉक्टर, यह हॉस्पिटल का केस नहीं है, लोहे को लोहे से काटना होगा। मैं चाय पीऊंगी। चाय, अच्छा चाय, 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 ठंडा चाय, भोलेनाथ का प्रसाद, ठंडा ही, ठंडा ही है ना? हाँ ठंडा ही है। वो तो नहीं है? ना ना ना, ठंडा ही है। हाँ हाँ, कैसी लगी? अच्छी है। हाँ अच्छा है, अच्छा है, मेरी तरफ से। ये लीजिए एक और। अच्छी है, अच्छी है। आ, ये 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 ठंडाई दद्दा की तरफ से। तूने 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 पिलाया है क्या मनुआ मतवाला, चढ़ के न उतरे सारा जीवन ये है प्यार का नशा। अरे तूने 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 पिलाया है क्या मनुआ मतवाला, के न उतरे सारा जीवन ये है प्यार का नशा। जहाँ देखूं दिखती है तू तेरी जवानी का ये जादू, जहाँ देखूं दिखती है तू तेरी जवानी का ये जादू, जब मिले सौ चमन तब बना न उतरे सारा जीवन ये है प्यार का नशा।
होंठों से लगाते ही आ गया मजा। एक तारा दिल में बजा, होंठों से लगाते ही आ गया मजा। ये लगन ना टूटे चाहे ये जग रूठे। अरे तूने 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 पिलाया है क्या मनुआ मतवाला। चढ़ के नहीं उतरे सारा जीवन ये है प्यार का नशा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, मवाली की तरह कूद थाम के रहे थे। क्या बताऊं भारती, पता नहीं उन लोगों ने क्या पिला दिया, मीठी मीठी लगी दबा के पी गया और उसके बाद ट्यू उड़ने लगा, अभी तक सर बना रहा है। डालो पानी और डालो। hey, पांडे जी के नाम नहीं मालूम होना चाहिए, होशियारी से। अच्छा दादा जो ना था सो गया। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। ये आग लगी नहीं लगाई गई है, मेरी माँ का हत्यारा वो पांडे है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी मां को मारा था, गरीबों की झोपड़ियों में आग लगा दी और तुम यहां बैठकर जश्न मना रहे हो। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा कभी नो। ए होश में आओ वरना गिरफ्तार कर लूंगा। खामोश कुत्ते। क्या जल्दी आओ दीदी। अरे ये तो अमर की लौंडिया कुसुम थी ना। हाँ साहब। गाड़ी रिवर्स करो। कुसुम को विद्याचरण उठाकर ले गया। मेरी बेटी को बचा लो सब, बेटी को बचा। चलो चलो जल्दी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हे राम हे राम।
साहब क्या है? इंस्पेक्टर अर्जुन आ रहे हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन, ये साली नाम पता तो सब कुछ बता देगी। ऐसा करो, इसे मार डालो और जल्दी से भाग चले यहां से। क्विक। तुम लोग ये चलो, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। आगे खोल भाई, आगे खोल। ये देख तेरा बाबू यहाँ तेरे पास खड़ा। आगे खोल भाई, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब अंदर पेशेंट को देख रहे साहब। देखो एक इमरजेंसी केस है, मुझे डॉक्टर से जल्दी मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकते साहब। अबे हाँ साहब, डॉक्टर साहब, बास्टर्ड, लोगों की जान बचाने वाली जगह को तूने अय्याशी का अड्डा बना लिया। शर्म नहीं आती? डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी, डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचाओ। I'm sorry, ये मर चुकी है। बास्टर्ड, डॉक्टर का पेशा पवित्र होता है। तूने अपने पेशे के साथ गद्दारी की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल, बंद कर दो सालों को। ये सर, चलो अमर, मैंने तुम्हारी जमानत दे दी है। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। अर्जुन सिंह यार, मैं सूरज पाल बोल रहा हूँ, आप फौरन पांडे जी के घर पे आ जाइए। ओके सर। किसी भी तरीके से, समझे ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया? हाँ, सुना है तुमने विद्या चरण और डॉक्टर माथुर को गिरफ्तार किया। ओह, आपने अपनी दिखाने से बाज नहीं आए ना? अरे भाई, ये कोई पुलिस स्टेशन या तुम्हारा दफ्तर नहीं, ये मेरा घर है, बोलो। हाँ, अरे भाई, अर्जुन बाबू भी तुम्हारी तरह मेरे मेहमान बनकर आए हैं। तुमने हाथी गिरफ्तारी की बातें शुरू कर दी, अच्छी बात नहीं है। पहले जरा इनकी खातर वातर तो कर ले। आइए अर्जुन बाबू, बैठिए। थैंक्स, मैं यूं ही ठीक हूँ। बैठिए ना। जी नहीं, जिंदगी में मेरे कुछ उसूल हैं जिन पर मैं चलता हूँ। घर आए हुए मेहमान की अच्छी तरह से खातर करना हमारा भी उसूल है, चाहे वो मेहमान कितने भी नीचे दर्जे का क्यों ना हो। ये कैसे हो सकता है, हमारा मेहमान खड़ा रहे और हम बैठे रहे? नहीं नहीं, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे भी कुछ उसूल हैं पांडे जी, मैं चाहे कितने ही नीचे दर्जे के इंसान के घर जाऊं, लेकिन अपने से बड़े अफसर के सामने बैठने की गुस्ताखी नहीं करता। हाँ, अगर आप बैठना नहीं चाहते तो हम खड़े हो जाते हैं भाई। एसपी साहब, आपने तो अर्जुन बाबू के बारे में कुछ और ही बताया था, लेकिन मुझे तो उस नौजवान ने बिल्कुल चित कर दिया। कितने मीठे बोल बोलता है, बड़ों की कितनी इज्जत करता है। शाबाश शाबाश, वर्दी में है ना इसलिए। हाँ तो अर्जुन बाबू, ये केस कहाँ तक पहुंचा? कोर्ट तक। इस केस को कोर्ट में ना जाने के लिए कितना खर्च होगा? मिस्टर पांडे, ओह नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। मेरा ये तजुर्बा है कि जिस तरह इस दुनिया में हर चीज की कोई कीमत होती है, उसी तरह हर इंसान की भी कोई कीमत होती है। आपकी क्या कीमत है अर्जुन बाबू?
बता दूं तो आप क्या करेंगे? इस केस को उठाकर अपनी जेब में रख लूंगा, बोलो। हाँ पांडे जी, अभी अभी आपने कहा कि हर इंसान की कोई कीमत होती है, आप बता सकते हैं कि आपकी क्या कीमत है? क्यों? एक ईमानदार अफसर के जूतों की सफाई करने के लिए। अर्जुन पांडे भाई वाह, मान गए भाई, मान गए। सूरजपाल सिंह, अर्जुन पर सिर्फ पुलिस विभाग को ही नहीं बल्कि सारे देश को गौर करना चाहिए। अच्छा भाई, इस मामले में मैं और बहस नहीं करूंगा, धर्म अधर्म का मामला है, आप लोग आपस में तय कर लीजिए। हाँ अर्जुन, तुम्हारे जैसे नौजवान बहुत जल्दी जोश में आ जाते हैं, लेकिन पहाड़ों से टकराना बेवकूफी है। तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि पांडे जी कितनी ताकतवर हस्ती हैं। ये चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कानून के आगे इन्हें सर झुकाना ही पड़ेगा। अगर ये जुर्म करेंगे तो इन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। कानून को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। कानून मोम की बनी नाक है, जिसे हम जिधर चाहें मोड़ तोड़ दें। आप जैसे मक्कार वकीलों की वजह से पांडे जी जैसे गुनहगार इंसानियत, धर्म और न्याय को अपने पैरों तले कुचलते चले आ रहे हैं। अर्जुन, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। तुम्हारा सीनियर ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, ये केस वापस ले लो। सॉरी सर, ये गैर कानूनी होगा। आप जो जुर्म करना चाहते हैं उसमें मैं आपका भागीदार नहीं बन सकता। सर, आपका जूनियर ऑफिसर होने के नाते आज तक मैं आपके सारे हुक्म मानता आया हूं, लेकिन अब एक मामूली नागरिक की हैसियत से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करने वाले लोग हैं, फिर आप मुझे उन हथियारों को छोड़ने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? अगर कुसुम की जगह आपकी बहन की इज्जत लूटी गई होती, आपकी मां की इज्जत लूटी गई होती, आपकी बेटी की इज्जत लूटी गई होती, तो क्या आप उन राष्ट्रों को छोड़ने का हुक्म देते? कभी नहीं। आज लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि आप जैसे कानून के ठेकेदार सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से हट गए हैं। आप लोग गुंडों और मुजरिमों के हाथों का खिलौना बन गए। आपकी नेक चलनी पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। इससे पहले कि जनता बगावत पर उतर आए, इससे पहले कि जनता के गुस्से की आग भड़क उठे और हमें जलाकर राख कर डाले, हम लोग जाग जाए तो बेहतर होगा। अरे क्यों भाई, शाम क्यों सू गया तुम लोगों को है? बंदी क्यों बंद हो गई? अरे तुम लोगों की अफसरी और डिग्रियां किसी काम की नहीं, बिल्कुल बेकार है, है? अब तो मुझे ही अपने हथकंडे दिखाने होंगे। हाँ माँ, क्या हुआ माँ? कुछ गुंडों ने बेटा मुझे बांध दिया और भारती को उठा के ले गए। जल्दी जा बेटा, भारती को बचा। शरद, तेरे जैसे जलील को जिंदा नहीं रहना चाहिए। हिम्मत है तो मुझे छोड़कर देख, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। आए होए, गुस्से में तो तू और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। जी चाहता है तेरे साथ एक बार और संभोग करूं। अच्छा अच्छा, छोड़ देता हूँ। देखा कितना बड़ा दिल है हमारा। कसाई की छुरी भी तुझसे नफरत करेगी। औरत के आंसू और गरीबों के आह दोनों मिलकर एक दिन तेरे कलेजे को छेद डालेंगे। स्वागतम स्वागतम मिस्टर अर्जुन, आओ। पांडे, भारती को छोड़ दो। अरे भाई, गला क्यों फाड़ रहे हो इंस्पेक्टर? ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं जहाँ तुम्हारा हुक्म चलेगा। अरे भाई, तुम मेरे बेटे और डॉक्टर को छोड़ दो, मैं तुम्हारी भारती को छोड़ देता हूँ। बस, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी इज्जत इसकी जान ले सकती है। अगर तुम ये चाहते हो तो यही होगा। मेरी परवाह न करो अर्जुन, तुम अपने उसूलों को मत छोड़ो। आखिरी बार पूछता हूँ, बोलो। सुन जाओ अर्जुन, मेरे हाथ
हाथों को ताने, उनके हाथों से मत बचने देना। हाँ ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले ये देखते जाओ कि तुम्हारी पत्नी की क्या दशा होने वाली है। अर्जुन,
तुम या क्यों ताज्जुब हो रहा है कि मैं जेल से बाहर कैसे आ गया? हाँ, तुम पुलिस वालों को सिर्फ गिरफ्तार करना और जेल में ठूसना आता है, लेकिन जेल से छूटना और सजा से बचना हमें भी आता है अर्जुन। और हाँ, एक खुशी की बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया, अब तुम्हारा डॉक्टर मैं हूं। ऐसा करते हैं कि बाहर भीड़ को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया। खामोश! आप सब लोग चुप हो जाइए। अर्जुन को हमारे हवाले कर दो। चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा। अर्जुन को हमारे हवाले कर दो, हम उसका ठीक से इलाज करवा लेंगे। तुम्हारे अर्जुन की देखभाल हम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। हमें तुम पर भरोसा नहीं। तुम पांडे के पिट्ठू हो, उसके चमचे हो, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुम अर्जुन को मार डालोगे ताकि तुम अपने पापों पर पर्दा डाल सको। तुम बेईमान हो। अर्जुन को हमारे हवाले कर दो। अरे डॉक्टर, ये तो पुलिस का बड़ा वफादार ऑफिसर है, इसका इलाज तो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। बोलो हाँ, तो कर दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर इतना दंगा फसाद हो रहा है, जाकर लाठी चार्ज करो। नहीं साहब, मुझसे ये उल्टा सीधा काम नहीं होगा। क्या? हाँ साहब, अपना पेट भरने के लिए मैंने अब तक बेशर्मों की तरह रिश्वत ली, झूठ बोला और बहुत से गलत काम किए, लेकिन एक ईमानदार पुलिस अफसर की जान बचाने वाले लोगों को आप जानवरों की तरह पिटवा रहे, ये देख कर मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हूँ। बहुत हो गया साहब, अपने डिपार्टमेंट के लिए इससे बढ़कर शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। इस पवित्र वर्दी को अपने अपवित्र शरीर पर पहनकर मैं इसका और अपमान नहीं कर सकता। हर पल अपने आप को धोखा देते हुए मैं जिंदा नहीं रह सकता साहब, मैं जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ओहो, आओ आओ आओ। हेलो अर्जुन, हाउ आर यू? आखिरी सांसें ले रहा हूं, हो सकता है मैं मर जाऊं, लेकिन कानून को दफन मत कीजिए सर, इन सबको सजा जरूर दिलवाइए ताकि जनता को विश्वास हो जाए कि पुलिस डिपार्टमेंट में ईमानदार अफसरों की कमी नहीं है सर। मैजिस्ट्रेट को बुलाइए, मैं मरने से पहले बयान देना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज मैजिस्ट्रेट को बुलाइए सर, प्लीज। No, no, तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो? No! तुम लोगों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी, सजा जरूर। हम ही सजा दिलवाएगा।
इंजेक्शन इसे 2 घंटे में मार डालेगा। बड़ा बातें खां समझता था अपने आप को, मर गया साला। ये लो अर्जुन की मौत की खुशी में। तुम लोगों ने एक बेबस इंसान के साथ खूनी भेड़ियों जैसा सुलूक किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम जंगली जानवरों को बचने का मौका दूंगी। भागो, जहां तक भाग सकते हो भागो। मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, तुम्हारा शिकार करूंगी। भागो कुत्ता! घन 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 करके बादल करके ढग 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 लड़के धरती लड़के काल के रथ की बजी घंटियां दसों दिशा में कंपन ज्वालामुखी मुखौल उठे हैं करते तूफान नतन तो घोड़े सूरज के दौड़े गगन से शोले भरते करने को सहार भवानी निकल पड़ी है घर से इंस्पेक्टर, प्लीज। नो इंस्पेक्टर, प्लीज।
नो प्लीज इंस्पेक्टर नो ओके भारती ये क्या कर रही हो तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने आत्महत्या कर लूंगी नहीं नहीं भारती नहीं रुलाने वालों का शिकार करके लाई हूँ अर्जुन आई हैव किल्ड दोस बास्टर्ड अर्जुन तुम्हारी अदालत तुम्हारा कानून जो काम ना कर सका वो मैंने कर दिया अर्जुन हाँ अर्जुन अर्जुन बाहर जाकर देखो ये क्या गजब किया तुमने भारती अगर हर इंसान तुम्हारी तरफ बदला लेने लग जाए तो ये देश शमशान बन जाएगा तभी एक नया और सुथरा समाज पैदा होगा एक नई सुबह होगी कानून जनता के हाथ का खिलौना नहीं है भारती तुम्हें उसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था जा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो अर्जुन 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 भैया घबराओ मत अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अर्जुन। सर मुझे सब मालूम हो गया है तुम फिक्र मत करो मैं आ गया हूं ना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे डॉक्टर अर्जुन को जल्दी से बड़े अस्पताल लेकर चलो कम ऑन गेट द एम्बुलेंस क्विक यस सर कम ऑन अदालत कहती है कानून को अपने हाथ में लेकर मैंने जुर्म किया है मैं मानती हूं योर ऑनर कि मैंने अपराध किया है जिन लोगों को कानून के रास्ते पर चलना चाहिए था कानून की रक्षा करनी चाहिए थी उन्होंने उसे जमीन में गाड़ दिया था लेकिन आपका कानून उन चारों की हिफाजत करता रहा और उन्होंने इसी कानून के साये में हजारों बलात्कार हत्याएं और लूटमार की इसीलिए कानून को अपने हाथ में लेकर मैंने उन्हें मार डाला और समाज को उनके जुल्मों से बचा लिया लेकिन कानून के निगाह में वो निरपराधी रहे और मैं अपराधी बन गई जिन चार राक्षसों को मैंने मारा है उन्होंने उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया था एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और मेरे देवता समान पति को जहर का इंजेक्शन देकर मार डालने की कोशिश की इसलिए उन चारों दरिंदों को मारना मेरा फर्ज हो गया था और मैंने अपना फर्ज पूरा किया आप मुझे सजा देकर आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए वराना अपने कर्तव्य का पालन कीजिए भारती देवी ने अपने जुर्म का इकबाल किया है बाकी गवाहियों से भी यह साबित हो गया है
कि ये कातिल हैं। कानून का तकाजा है कि जो जुर्म इन्होंने किया है उसकी सजा इनको मिले, इसलिए ये अदालत भारती देवी को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा करार देती है। लेकिन जिन हालात में इनसे ये जुर्म हुआ उन हालात में किसी भी इंसान का दिमागी या मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। भारती देवी के साथ भी यही हुआ है, इसलिए ये अदालत इंसानियत और इंसाफ की मांग को पूरा करते हुए सरकार से दरख्वास्त करती है कि इनको और इनकी सजा को माफ कर दिया जाए। अर्जुन बाबू, अर्जुन बाबू, अर्जुन बाबू, अर्जुन बाबू, भारती देवी, समाज विरोधी शक्तियों के विनाश के लिए, देश की उन्नति, एकता और विकास के लिए अर्जुन जैसे ईमानदार पुलिस अफसर और भारती देवी जैसी बहादुर नारियों की आवश्यकता है।